राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में पिरभोर थाना क्षेत्र के खेतान मार्केट के पास अज्ञात अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ये इलाका वार्ड नंबर 39 में पड़ता और यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद राहुल यादव है और उनके भाई अनिल यादव पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें उनके उंगली पर गोली लगी है। देखिए हम आपको घटना स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से लगातार घटना के बाद इलाके में कहीं ना कहीं काफी भीड़ है। और जिस घटना की बात कर ली जाए, यही वो जगह है जहाँ पे अनिल यादव बैठे हुए थे, तभी चार की संख्या में दो मोटरसाइकिल अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। देखिए तमाम घटना स्थल की तस्वीर हम आपको कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। सामने उनका निवास स्थान पड़ता है और उनका कार्यालय भी है और कुछ ही दूरी पर पिरभोर थाने भी पड़ती है। इस पूरे वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। इस पूरे घटना में जब राहुल यादव से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका किसी से आपसी विवाद नहीं चल रहा, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि थाने से चंद कदम दूरी पे खेतान मार्केट काफी हाई प्रोफाइल इलाका और वहां पे चार की संख्या में अपराधी आते हैं और दिन दहाड़े दिन के उजाले में गोलीबारी करते हैं और एक गोली उनके हाथ में उंगली में लगने की बातें सामने आ रही है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है वहां के आप एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए, किस प्रकार से लगातार बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में चार अपराधी आते हैं और अभी तक पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार से राजधानी पटना में, ये वही बिहार है कि जहां की बिहार की राजधानी पटना, बिहार के डीजीपी बैठते हैं, बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया जाता है, लेकिन राजधानी पटना के नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन अभी भी अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये है कि हमारे बड़े भाई साहब जो है बगल में पार्क है, प्रतिदिन टहलते हैं और टहल के आकर जैसे यहाँ पे बैठे हैं, हम उस गली में थे तो गोली की आवाज़ सुने, दौड़ते हैं, तब तक मैं यहाँ आने के बाद देख भाई साहब को उंगली में गोली लगा है और तकरीबन 20 से 25 गोली मारा गया, सब गोली है 9 का। और फिर उसके बाद 8:35 में थाना को सूचित किया फोन के माध्यम से, थाना को आने में 9:22 यहाँ पे आया, जबकि एक कदम तक थाना है आना चाहिए लेकिन थाना को आने में 1 घंटा लग गया। SSP साहब को फ़ोन किया तो कॉल फॉरवर्ड था, फिर वहाँ कंप्लेन हुआ। और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस तरह से घटना तो बहुत दुखद घटना है, 20-25 गोली शहर में चल जाना और एक गोली उनका उंगली में लगा हुआ है। यहीं बैठे हुए थे चाय पीने के लिए, दो बाइक से चार लड़का रोका, पिस्टल निकाला तो मोबाइल फेंक के मार के हम भागने लगे, तो हमको मारने के लिए पुराना धुन गोली फायरिंग किया, इसमें 12 राउंड टोटल चला है। हाँ, जिसमें 1 राउंड खाली मेरे अंगूठा में लगा है, बाकी सब गोली बूथ पे इधर सब पे फर्श वगैरह सब पे छितराया है। पुलिस कहाँ, बहुत फोन किया तो लास्ट में भी सब जिप्सी वाला आया, आगे दो जिप्सी था वो भी मुड़ा के भाग गया जो गोली चले लगा। तो क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव। राहुल जी उनके भाई से गोली चलने की बात है, गोली चली है और टोका भी बराबर हुआ घटना स्थल पर। हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं और जो साक्ष्य आएगा इसके विरुद्ध आएगा और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड गोलियां चली है? बताया तो जा रहा है कि 12-14 राउंड गोली चली है। खोखा बरामद हुआ है? हाँ, खोखा भी बरामद। कितना खोखा बरामद हुआ? 7-8 खोखा बरामद हुआ है। फिर देखते हैं कि किसी की गोली भी लगी है। गोली लगने की बात बताई जा रही है, हल्की से हल्का सा जख्म आया है अनिल जी के अंगोली में, फिर बात फिर हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ प्रतीत हो रहा है सर? नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआती दौर है, हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, देखते हैं जो साक्ष्य जैसा आएगा उसके व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त। अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जिस जगह पे वारदात हुई है पिरभोर थाने पर, सवाल उठना लाजमी है। पुलिस की तरफ से लगातार ये दावा वादा किया जा रहा है कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है और पटना का सबसे हाई प्रोफाइल ये इलाका कह सकते हैं, क्योंकि खेतान मार्केट के जस्ट बगल में ये इलाका पड़ता है, भंवर पोखर खेतान मार्केट पड़ता है और खुद यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद अभी राहुल यादव है, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस के तरफ से लगातार ये बातें की जा रही है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंचकर
कहीं ना कहीं खोखे को बरामद किया है और लगातार पुलिस के तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, रटा रटाया बात कहा जा रहा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है और कहीं ना कहीं ये इलाका पूरी तरह से घेर दिया गया, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है, या घटनाएं बेतहाशा इसी तरह वृद्धि होते रहती है और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।